For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. यह मोहब्बतें में आप सभी को खूब मजा आ रहा है क्योंकि इन दिनों ट्रैक ही कुछ ऐसा चल रहा है। साथ ही साथ ऐसा ड्रामा दिखाया जा रहा है जो कि हम एकता कपूर के सीरियल से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शो में जो कुछ भी श्वेता के साथ हो रहा है वो देखकर तो भैया बहुत ताज्जुब होता है और मन में ख्याल आता है कि भाई जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। ज्यादा पीछे की छोड़िए, अभी बीते एपिसोड में ही देख लीजिए, बहुत ही जल्द अब मनाई जाएगी लोहरी। और हमारे कुछ खास सोर्सेज की माने तो अब इस पार्टी में होने वाली है एक बहुत बड़ी एंट्री। जी हाँ, जहाँ इस पार्टी में एक तरफ इश्ता को पता चल जाएगा कि आखिर कौन दे रहा है रमन को वो दवाइयाँ, और आपको बता दे कि हो सकता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रूह ही निकले। जहाँ सिम्मी के कहने पर रूही ये सब कर रही होगी, तो वहीं अब आपको बता दे कि इस पार्टी में होगी अशोक की भी एंट्री। वहीं आपने शो में ये भी देखा होगा कि कैसे इश्ता के लिए काफ़ी परेशान हो रहा होता है रमन और उसको रात में नींद तक नहीं आती। वहीं वो शन्नो को कहीं जाते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे भाग जाता है, जहाँ शन्नो उसको बोल देती है कि वो अपने भाई से मिलने आई है, लेकिन वो अशोक से मिलने हो गई होती है। अब आपको जानकारी दे दे कि मनाया जाने वाला है अनन्या का जन्मदिन। जी हाँ, जिसमें बताया जा रहा है कि भेज बदल कर पहुंच जाएगी अनन्या। जी, कुछ खास सोर्सेज की माने तो ऐसा ही होने वाला है आने वाला ट्रैक, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद आने वाला ट्रैक ही बताएगा। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.